नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना मिशन मुख्य समाचार। करते हैं शुरुआत यमुना जी की गौ घाट पर मंगला आरती के दर्शन के साथ। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन अभी भी ब्रजवासियों में जन्माष्टमी का आनंद बाकी है। इस उपलक्ष्य में यमुना मिशन पर गौ घाट कल रात्रि में मटकी फोड़ लीला का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रज के सभी नव युवकों ने, बाल गोपालों ने उत्साह के साथ भाग लिया और दही हांडी लीला को पूर्णतः संपन्न किया। इस अवसर पर युवाओं में जोश का अतिरेक देखने को मिला और सभी ने उल्लास के साथ दही हांडी की लीला को संपन्न किया। अच्छे कार्यों की सुगंधि जब दूर दूर तक फैलती है, तब मनुष्य स्वतः ही उस स्थल पर स्वयं उस कार्य को देखने खिंचा चला आता है। और आज इसीलिए साधु संतों का आगमन, राजनेताओं, सामान्य जन सभी का आगमन हो रहा है यमुना मिशन क्षेत्र में। आज इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह जी का आगमन हुआ वृंदावन सूर्यकुंड क्षेत्र पर। आपके साथ इस अवसर पर बच्चू सिंह चौधरी विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष मथुरा, पार्षद राहुल अधिकारी वृंदावन से, आप सभी ने यहां आकर यमुना मिशन के कार्यों को देखा और उसकी सराहना की। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने सूर्यकुंड क्षेत्र पर वृक्षारोपण भी किया और यमुना मिशन के कार्यों के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में पहली बार ये दृश्य यहाँ का देखा है, क्योंकि मैं यहाँ का प्रभारी 10 वर्ष रहा हूँ, 5 वर्ष 12 से 18 तक रहा हूँ, 91 से 95 तक रहा हूँ, परंतु मैंने पहली बार ये तट के साइड में जो वृक्ष लगे हैं, ये पहली बार यमुना मिशन के माध्यम से जो लगा रहे हैं, ये साधुवाद के पात्र हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर्यावरण विद हैं, क्योंकि पर्यावरण अच्छा साफ सुथरा होगा, हमारे जितने भी वृक्ष लगेंगे पशु पक्षियों को फल मिलेगा, उनका भी लाभ होगा, इसलिए ये समाज के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में और यमुना के हित में और हम लोगों के हित में बेसिकली, क्योंकि पशु पक्षी तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन इंसान के हित में जो पर्यावरण का कार्य जो हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, ये साधुवाद के पात्र हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ सरकार की ओर से, अपनी ओर से, प्रभु बिहारी जी की ओर से, उनके दर्शन करके आए हूँ, तो इसलिए अच्छा कार्य है, इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। प्रतिदिन शाम को सुदर्शन घाट पर आगमन होता है वहाँ की स्थानीय निवासी महिलाओं का, और यहाँ आकर भी करती हैं भजन कीर्तन और उसके बाद सम्मिलित होती हैं श्री यमुना जी की संध्या आरती में भी। आइए देखते हैं एक झलक। यमुना मिशन के कार्यों से न केवल पुरुष महिला संत जन प्रभावित हुए हैं, बल्कि बच्चों के लिए भी यमुना मिशन के प्रयास काफी सार्थक रहे हैं। जब उन्होंने टीवी और मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर आनंद लिया है यमुना मिशन के झूलों का। जीवन में शुभ कर्मों का जब उदय होता है तब मिलता है सत्संग। ऐसे ही सत्संग की अनुभूति आज यमुना मिशन के संस्थापक श्री प्रदीप बंसल जी को हुई, जब वे पहुंचे वृंदावन धाम गोविंद देव मंदिर घेरा पर, जहां आपने सत्संग का लाभ लिया और
इस अवसर पर संतों ने भी यमुना मिशन के संस्थापक जी का पटका पहनाकर सम्मान किया। आज यमुना मिशन के संस्थापक पहुंचे श्री वृंदावन धाम, जहां आपने मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य द्वाराचार्य डॉक्टर राजेंद्र दास जी की कथा का श्रवण किया और सत्संग का लाभ लिया। ये बात इसलिए नहीं कही जा रही है कि हम कल की बात कहें तो आप कुछ ला कर दे, इसलिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये बात कही जा रही है कि संग्रह नहीं है, संस्थापक रहता भार है, ये ठाकुर जी की कृपा है। बाबा धन की अधिकता किस कुमार में बुद्धि को ले जाएगी, नहीं कहा जा सकता। इसलिए संग्रह न हो, ठाकुर जी के उत्सवों में, महोत्सवों में, गौ ब्राह्मणों की सेवा में, संतों की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में धन का व्यय हो, यही महाराज जी धन का उत्तम उपयोग। कुछ बाबा ठाकुर दास जी के सामने लोगों ने कहा बाबा कर्ज हो गया, कुछ संत करा दिया, बाबा बोले तुमने जुआ खेला क्या? बाबा बोले देवेंद्र जी ने कई लोगों ने कहा ऐसा, बाबा बोले तुम जुआ खेला क्या? सामने बैठे मदरसा जी, बाबा ने जुआ खेल, बाबा बोले जुआ खेला तुमने क्या? क्या कोई उल्टा पलटा काम किया क्या? आप गौ सेवा करो, गिरिराज जी गौ गोविंद इनमें भेद नहीं, गौ की सेवा साक्षात गोविंद की सेवा। विगत कई दिनों से चलती आ रही कबड्डी प्रतियोगिता का आज हुआ फाइनल यमुना मिशन गौ घाट पर। और आइए अब आपको कराते हैं श्री यमुना जी के विभिन्न घाटों से संध्या आरती के दर्शन। और आइए अब बता दें आपको कल के मौसम का हाल। कल के मौसम की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस। दिन में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना। ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।